सबसे पहले तो हम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या नायब साहब या एसडीपीओ मेंडर, एसएचओ मेंडर, उनका शुक्रगुजार हैं कि गरीब आवाम लोगों की हर समय समय पर परेशानी और मुश्किल का सामना कर आ रहा था, वो उनकी बातें सुन रहे हैं। सबसे पहले हमारा 14 जनवरी को रैली हुई थी रजौरी में, और उसमें आर्मी कमांडर आया था, और आर्मी कमांडर ने सर्टेशन अवार्ड के साथ मुझे नवाजा था, और उन्होंने ये बोला था कि विडो वार विडो या सैनिक किसी के साथ में भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके बीच में मेरे 2-3 लोग कालाबान के बीच में विडो वार विडो हैं, पठाना तीर के अंदर में है, केरी कलुता के अंदर में है, तो उन लोगों को ये लोग जाके बोल रहे हैं कि आपका मकान रुड़ जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी, तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये हमारा पैगाम जो है गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब तक पहुंचना चाहिए कि हमने बाथरूम पर गोलियां खा के जंगे लड़के हमने अपने घर बनाए हुए हैं, लिहाजा हम ना ही तो किसी लीडर के बरखिलाफ़ हैं और ना ही हम किसी पार्टी के हैं, हम सिर्फ इंसानियत का नाता है। तो आर्मी एक्समैन यूटी ने मुझे चुना हुआ है, तो इसलिए हर बंदे का मुझे फ़ोन आ रहा है कि आप चुपचाप बैठे हो, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से भी कि मेरे किसी भी सैनिक को हरगिज़ नहीं छेड़ा जाएगा। इसी पे मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।